सो हेलो गाइस, वेलकम टू एम टू सेम चैनल। सो आप सभी को पता है कि दिन ब दिन बीटीएस का क्रेज कितना इंडिया में बढ़ता जा रहा है। मोस्ट फॉलोइंग आर्टिस्ट बन चुके हैं बीटीएस इंडिया में, और इंडिया के पीपल्स बहुत ही ज्यादा लव करते हैं बीटीएस को, बीटीएस आर्मी को। इंडियन फैंडम भी बहुत ही ज्यादा बड़ा है बीटीएस का, और बीटीएस आर्मी आप सभी जानते हैं कितनी अच्छी है और कितने कनेक्ट है बीटीएस से, हर एक मेंबर से, और बीटीएस को कितना फॉलो करती है, कितना लव करती है, कितना मोटिवेट होती है उनसे और कितना कुछ सीखती है उनसे। सो फिलहाल ही में एक न्यूज़ वायरल हो रही है कि 18-year-old बीटीएस फैन ने जंप कर दिया ट्रेन से। सो मैं रीजन बताता हूँ अभी। सो रीजन ये था कि उसके पेरेंट्स ने उसे कहा था कि BITS पिलानी में जा रहे हैं, जो कि एक गोवा में एक कैंपस है, बट वो लड़के को लगा कि BTS पिलानी में जा रहे हैं। सो ये बात सुन के उसे हर्ट हुआ और उसने ट्रेन में से जंप कर दिया। सो BTS फैन बॉय साउथ इंडिया से था वो, और उसने जंप कर दिया। मुंबई थाने की लोकल में था वो, उसे पता चलते ही उसने जंप कर दिया कि उसे BTS प्लेन है, BITS पिलानी में जा रहे। सो उसने जंप कर दिया। सो ये न्यूज हर जगह वायरल हो रही है, और लड़के के पेरेंट्स का कहना है कि उसकी डायनामाइट रिंगटोन थी, उसकी फोन रिंगटोन। सो इससे पता चलता है कि वो BTS आर्मी है या BTS फैन, और BTS को बहुत ही ज्यादा फॉलो करता है। सो आप सभी जानते हैं कि BTS को लेके फैंस कितने ही ज्यादा पागल है, क्रेज कितना ही ज्यादा है। कुछ कुछ फैंस तो बहुत ही ज़्यादा पागल होते हैं BTS के लिए। होता है। एक टाइम हुआ करता था पहले, जब शक्तिमान सीरियल सबसे पॉपुलर हुआ करती थी। सो वो देखने के बाद बच्चे लगता था कि शक्तिमान, अगर हम मुसीबत में पड़ जाएंगे तो शक्तिमान हमें बचाने आएंगे, हमारी हेल्प करेंगे। सो ये एक तरह का है, इमोशन है, कुछ भी कहो, जीत बोलो, कुछ भी तुम कह सकते। देखो यही होता है कि कुछ लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं रहते बिल्कुल भी। सो इसे ट्रोल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आप सभी को पता है कि BTS इंडियन आर्मी कितने अच्छे अच्छे काम करती है, कितना डोनेट करती है, कितने लोगों की हेल्प की है, कितने लोगों की जिंदगी बनाई है, कितने ही लोगों को BTS ने मोटिवेट किया है, और आज उन्हीं के वजह से वो जिंदा है ऐसा बोलते हैं। पॉपुलर से पॉपुलर आर्टिस्ट भी आज बात करते हैं BTS के, हमें भी कितना ज़्यादा क्रेज है, और BTS भी यही सिखाती है ना कि लाइफ को जियो, लव करो अपने आप को, लव योर सेल्फ कैंपेन चलाती है वो। सो BTS तो ये कभी नहीं चाहेगी कि उनके कोई भी फैंस को कुछ भी चोट पहुँचे या अपने आप को चोट पहुँचाए उनके वजह से। अगर आप ऐसा कर रहे हो BTS की वजह से आपको चोट पहुँचा रहे हो या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो, सो वो बहुत ही हर्ट होगी सच्ची में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये न्यूज़ की बात करें तो मैंने गूगल कर लिया, मैंने हर जगह आर्टिकल्स पढ़ लिए, बट ये न्यूज़ वायरल होती दिखी, बट ऐसा कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला कि ये न्यूज़ फेक है या राइट है, मुझे कुछ नहीं पता। देखो मैंने ये न्यूज़ देखी तो मैंने वीडियो बनाया। सो मेरा मकसद यही है ये वीडियो बनाने का, प्लीज़ आप अपने आप को चोट मत पहुँचाए BTS के वजह से, है ना, उनको भी हर्ट होगा, प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, उनको भी हर्ट होगा, BTS फैंडम भी बदनाम होगा। तो इससे अच्छा ये सब मत करो प्लीज़, अगर तुम कर रहे हो तो। तुम अगर हद से ज़्यादा पागल हो, हाँ तुम उसे फॉलो करो, उन्हें अपनी इंस्पिरेशन बनाओ, उनसे कुछ सीखो, बहुत कुछ सीखो मिलता है उनसे। ऐसे काम मत करो जिससे तुम्हें भी चोट पहुँचे और BTS को भी हर्ट हो। सो देखो अगर ये न्यूज़ की बात करें तो मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है कि न्यूज़ है राइट या नहीं, बिकॉज मैंने आर्टिकल पढ़े, वहाँ कहाँ पे भी नहीं मिला इसके बारे में। सो कमेंट करके नीचे बताइए ये न्यूज़ सही है या गलत है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ अपने आप को चुनमा पहुँचाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेटा, बाय बाय।